इंदौर के शासकीय दल चिकित्सालय में जल्द ही ट्रॉमा सेंटर भी शुरू हो जाएगा। इसकी प्रक्रिया शुरू हो गई है। ट्रॉमा सेंटर शुरू करने वाला यह मध्य प्रदेश का पहला कॉलेज होगा। इस कॉलेज में नए साल में फेलोशिप व सर्टिफिकेट कोर्स भी शुरू किए जाएंगे, ताकि जो दंत चिकित्सक MDS नहीं कर पाए हैं उन्हें मदद मिल सके। शासकीय दंत चिकित्सालय व कॉलेज दंत चिकित्सकों के लिए सर्टिफिकेट कार्यक्रम आयोजित करेगा, जिसमें बेसिक लाइफ सपोर्ट और स्टेरिलाइजेशन शामिल है। इसमें वे जिंदगी की जंग लड़ने वाले लोगों की मदद कर सकेंगे। आने वाले समय में कॉलेज में MDS की सीटें भी बढ़ेगी। कॉलेज में कुछ नई मशीनें आने वाली है। जैसे ही मशीनें आएंगी, कॉलेज अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हो जाएगा। इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर टीमें यहाँ दौरा करेंगी। यहाँ के छात्र विदेशों में भी जाएंगे। दंत चिकित्सा परिषद के चुनावों में हुई गड़बड़ी को छोड़ दें तो शासकीय दंत चिकित्सालय में बीता साल शानदार रहा। इंदौर के शासकीय दंत चिकित्सालय के प्राचार्य देशराज जैन ने बताया कि इस साल यहाँ BDS की सीटें 100% भर चुकी है। 3 विषयों में MDS भी शुरू हुआ है। PhD प्रोग्राम के लिए काम शुरू हुआ है। साथ ही यहाँ रोजाना आने वाले मरीजों की संख्या भी बढ़ी है। 2019 शासकीय दंत चिकित्सा महाविद्यालय के लिए बहुत अच्छा साल रहा। हमने पिछले साल हमारे यहाँ पर 3 सब्जेक्ट में MDS कोर्स चालू किया, जिससे कि हमारी MDS की जो 10 भर्ती करते थे उसकी जगह हम 19 भर्ती किए। पिछले साल डेंटल कॉलेज ने ही PhD प्रोग्राम, जो कि डेंटल फैकल्टी में पहली बार चालू हुआ है, वो चालू किया। 3 सब्जेक्ट में हमने PhD का प्रोग्राम चालू किया, जिसमें प्रोस्टोरोन्टिक डिपार्टमेंट, ओरल सर्जरी डिपार्टमेंट और ओरल पैथोलॉजी डिपार्टमेंट है। तो वहाँ पर हमने PhD स्टूडेंट को भी दिया। BDS इंटेक भी हमने पहले 40 से 50 किया और अब 50 से 63 किया। तो पिछले साल हमने इस कॉलेज में सबसे ज़्यादा और 100% हमारी सीट भर गई। 63 एडमिशन्स हमारे कॉलेज में हुए हैं पिछले साल। यह एक अपने आप में जब से कॉलेज बनाया तब का अचीवमेंट है कि एक तो सीट बढ़ गई और पूरी सीट भर गई। हमने 3-4 सब्जेक्ट में फेलोशिप प्रोग्राम के लिए भी प्रोग्राम किया है कि हम ये चाहते हैं कि जो आजकल एडवांसमेंट का जमाना है, मल्टी स्पेशलिटी है, सुपर स्पेशलिटी का जमाना है, तो उसमें हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ के जो बच्चे जो MDS नहीं कर पाए, जो प्रैक्टिस में हैं और उनको कुछ अलग अलग विधाओं में टेक्निक करना है, तो उनमें हम फेलोशिप, 1 साल का फेलोशिप या 11 महीने का फेलोशिप प्रोग्राम प्रपोज कर रहे हैं, प्रस्तावित कर रहे हैं, जो कि एक आर्थोरोन्टिक्स में हो जाएगा, एक फॉरेंसिक मेडिसिन में हो जाएगा, एक इम्प्लांटोलॉजी में हो जाएगा, एक आर्थोरोन्टिक्स में हो जाएगा, एक सर्जरी में हो जाएगा। तो कोई भी बच्चा जो MDS नहीं कर पाया है किसी भी कारण, तो वो एक 11 महीने के कोर्स में अपनी क्लिनिकल स्किल को एनहेंस कर सकता है। ये प्रोग्राम केवल ट्रेनिंग प्रोग्राम होगा, कोई कोर्स नहीं होगा।